देखो भाई, आज हम जो है ना एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो हरियाणा का कोई पेपर हो या कोई सेंट्रल का कोई पेपर हो। भाई, चैप्टर का नाम है सड्स एंड इंडिसीज, यानी घातांक और करणी। भाई ठीक है, तो हर एक कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो भाई, ये सब के लिए इम्पोर्टेंट है भाई। तो सड्स एंड, अगर स्पेलिंग गलत तो ठीक कर लियो भाई, इंडिसीज में, और जिसको हिंदी में बोलते हैं भाई घातांक और करणी, घातांक और करणी में। ठीक है, तो इसमें जो होना, पर इसका बेस सुनो एक बार। तो भाई इसका जो बेस है ना, हो सकता लगभग को आता भी हो, पर जिसको नहीं आता तो वो सीख लियो भाई। वो ये को है, अगर बेस सेम हो ना, अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो पावर आपके ऐड हो जा कर भाई। अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो पावर आपके क्या हो जा कर ऐड हो जाते हैं। यानी किस, देखो बेस सेम है ना और मल्टीप्लाई में, तो पावर आपके जुड़ जाऊंगी। यानी ये मेरा बनेगा एक्स की पावर ए प्लस बी प्लस सी बनेगा। उसके बाद ये कहो भाई, अगर बेस सेम हो और डिवाइड में हो, अगर बेस सेम हो पर डिवाइड में हो तो पावर माइनस हो जाऊंगी। यानी आपका बनेगा एक्स की पावर ए माइनस बी। अगर मल्टीप्लाई में हो तो जुड़ जाऊंगी, डिवाइड में हो तो पावर माइनस हो जाओगी। जैसे मान लो आपको बताऊं, एक्स की पावर 5 अपॉन एक्स की पावर मान लिया 7 लिखा हुआ, या 7 की जगह मान लिया 2 लिखा हुआ भाई। अब बेस सेम है ना और डिवाइड में तो पावर माइनस हो जाओगी, यानी 5 माइनस में 2 3 बचेगा भाई, एक्स की पावर 3। उसके बाद वो को है, अगर पावर माइनस में हो और आपको वो प्लस में बनानी हो, अगर पावर माइनस में हो और आपने वो प्लस में बनानी है तो कैसे बनाओगे? जो बेस नहीं है वो पलट जाएगा भाई। अगर आप बेस को पलट दोगे तो पावर अपने आप प्लस में हो जाओगी। यानी ये क्या होगी भाई, 1 बाई एक्स उसकी पावर कौन ए। पावर माइनस में है, अगर आपको प्लस में बनानी है तो जो बेस नहीं इसको पलट दोगे तो ये एक्स का उल्टा 1 बाई एक्स, तो अपने आप प्लस में होगी। जैसे मान लिया 3 बाई 2 की पावर माइनस का 2 है और आपको ये पावर प्लस में बनानी हो तो क्या करोगे, बेस को पलट दोगे। जो 3 बाई 2 है ना तो इसका 2 बाई 3 बना दो, इसका 2 बाई 3 बना दो तो पावर किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। उसके बाद क्या हुआ भाई, अगर पावर को इस साइड तो उस साइड लेके जानी हो, अगर आपने जो पावर है ना वो इस साइड तो क्या लेके जानी है, उस साइड, तो दूसरी पावर के डिवाइड में आ जाएगी वो। जैसे मान ले एक्स की ए इक्वल टू वाई की पावर बी है, एक्स की ए इक्वल टू कौन, वाई की पावर बी है, और आपने मान ली एक्स निकालना हो, मान लिया आपने यहां से एक्स निकालना है तो पावर को हटाओगे। जब बीच में इक्वल टू हो और आप पावर को इस साइड टू साइड लेके जाओगे ना तो उस पावर को डिवाइड में पहुंच जाएगी। एंड एक्स इक्वल टू कौन होगा, एक्स इक्वल टू होगा भाई वाई की पावर बी अपॉन ए। तो जब बीच में इक्वल टू हो ना और पावर को आप इधर तो उधर लेके जाओगे तो परली पावर को वो अपॉन में आ जाएगी, वो पावर कर लो भाई। उसके बाद क्या हुआ भाई, अगर पावर के ऊपर पावर हो तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाया करें, पर हर बार नहीं। अगर पावर के ऊपर पावर हो, जैसे एक्स की ए और उसकी पावर बी है, तो पावर के ऊपर पावर है ना तो ये पावर आपस में हो जाओगी मल्टीप्लाई, तो क्या होगी, तो ये मेरा बनेगा एक्स की पावर ए बी। पर ये हर बार नहीं होती मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई कब होती है, जब साथ में ब्रैकेट हो, पावर के ऊपर पावर हो पर साथ में ब्रैकेट हो तो ये मल्टीप्लाई होंगी। अगर साथ में ब्रैकेट ना हो ना और पावर के ऊपर पावर हो फिर तो वो सोल्व करनी पड़ेंगी। जैसे मान लिया, देखो दोनों में फर्क है, एक तो मैं ऐसे लिख दूं, एक्स की ए की पावर बी और की पावर सी,
एक ऐसे लिखा हो एक्स की ए की पावर बी और की पावर सी, यहां पर भी पावर के ऊपर पावर है और यहां पर भी पावर के ऊपर पावर है। यहां तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी पर यहां आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे। अगर साथ में ब्रैकेट हो ना, साथ में ब्रैकेट हो और पावर के ऊपर पावर हो तो मल्टीप्लाई होगी। अगर साथ में ब्रैकेट नहीं है और पावर के ऊपर पावर तो मल्टीप्लाई नहीं, फिर तो वो सोल्व करनी पड़ेंगे। यहाँ पर तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पर दोनों सोर कौन होगा, यहाँ पर दोनों सोर बनेगा भाई एक्स की पावर ए बी सी, पर यहाँ नहीं होगी मल्टीप्लाई। यहाँ तो पहले ये चीज करोगे मल्टीप्लाई, उसके बाद ये जो भी नंबर आवे उसको इसके पावर निकालोगे। जैसे मान ले मैं बोलूं टू की टू उसकी पावर में टू और उसकी पावर में फिर टू, अरे एक मान लिखा हूं टू की टू टू, दोनों में पावर के ऊपर पावर है, दोनों में क्या भाई पावर के ऊपर पावर है, पर जहां साथ में ब्रैकेट है ना, जहां पर साथ में ब्रैकेट है वहां पर तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाऊंगी, पर जहां आपस में ब्रैकेट नहीं है ना, जहां पर ब्रैकेट नहीं है वहां तो ये सोल होगी, यहां पर तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहां पर दोनों सोल कौन होगा, करो दो दुनी चार, चार दुनी आठ, यानी दो की पावर आठ लिखा हुआ है, पर यहाँ पर तो सोल्व करनी पड़ेंगी। इसके करो दो की दो, दो की दो चार, यानी दो की पावर चार होगी, दो की पावर चार होगी, दो की चार सोलह, यानी यहाँ पर आंसर कौन होगा भाई, यहाँ पर आंसर होगा दो की पावर सोलह। अगर पावर के ऊपर पावर है और साथ में ब्रैकेट भी है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर साथ में ब्रैकेट नहीं है और फिर पावर के ऊपर पावर है फिर तो वो सोल होगी। पहले ये सोल होगी, दो की दो चार, यानी दो की पावर चार बन गई और दो की चार सोलह, यानी दो की पावर सोलह बनेगा ना सूर फिर तो, और यहाँ वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। एक चीज और सुनो, किसी भी नंबर की जो पावर जीरो है ना वो आपका वन होता भाई। किसी भी नंबर की पावर जीरो कौन होता है, मेरा वन होता है। आपका हो गया पावर के बारे में भाई, घातांक के बारे में। अब देखो तुम करणी के बारे में सुनो भाई, इंडिसेस के बारे में। देखो इंडिक्स घातांक आपकी क्या होती है ना, करणी आपकी क्या होती है। अगर कोई नंबर इस फॉर्म में लिखा हुआ ना, अगर कोई नंबर इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो वो नंबर जो है ना सर्ड्स की फॉर्म में लिखा हुआ है। किसकी फॉर्म में लिखा हुआ भाई, सर्ड्स की फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर कोई नंबर इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो किसकी फॉर्म में लिखा हुआ, सर्ड्स की फॉर्म में, और उसके सर्ड्स में कौन है, जो बी है भाई, जो बी इसकी मल्टीप्लाई में कौन है। इस बात में फर्क एकदम ऐसे लिखूं बी इन टू, यहां पर तो बी इसकी मल्टीप्लाई में है, पर अगर आप बी को यहां की बजाय इसको ऊपर लिखोगे ना तो बी कहां पर है, इसके सर्ड्स में लिखा हुआ है। बी जो है ना इस नंबर के सर्ड्स में लिखा हुआ है, यानी ये जो नंबर है ना अपने सर्ड्स की फॉर्म में लिखा हुआ है। किसकी फॉर्म में लिखा हुआ है, अपने सर्ड्स की फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर आपने इसको सर्ड्स की फॉर्म से पावर के फॉर्म में लिखना हो, पावर के फॉर्म में चेंज करना हो तो क्या तरीका होता है भाई, जो सर्ड्स में लिखा हुआ नंबर है ना इस पावर के डिवाइड में आ जाएगा। कहां पर आ जाएगा, पावर के डिवाइड में, यानी एक्स की पावर ए अपॉन बी, ये पावर के फॉर्म में होंगे। तो ये नंबर अपने सर्ड्स के फॉर्म में था, अगर आपने इसको सर्ड्स के फॉर्म से पावर के फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखोगे भाई, जो भी पावर में है ना सर्ड्स वाला नंबर उसके डिवाइड में आ जाएगा। जैसे मान लो मैं कहीं पर लिखा हुआ हूं एक्स स्क्वायर और मान लो इसके सर्ड्स में तीन है भाई, मान लो कौन है तीन लिखा हुआ है। अब ये नंबर अपने सर्ड्स के फॉर्म में लिखा हुआ है और इसके सर्ड्स में कौन है, इसके सर्ड्स में थ्री है, और आपने इसको पावर के फॉर्म में चेंज करना हो तो इसको पावर के फॉर्म में चेंज कैसे करोगे, ये जो सर्ड्स में लिखा हुआ नंबर है ना वो इसके डिवाइड में आ जाएगा, यानी आपका बनेगा एक्स की पावर
टू अपॉन थ्री बनेगा, और जिसके सड़स में कुछ भी ना हो उसके सड़स में टू होता है भाई। जिसके सड़स में कुछ भी ना तो क्या होता है टू। जैसे मान लिया मैं लिख दूं रूट एक्स, मान लिया क्या लिखा हुआ है रूट एक्स। अब इसके सड़स में कुछ भी नहीं है तो कौन लिखा हुआ टू लिखा हुआ, फिर टू तो अपने आप है ये एक्चुअल में एक्स की पावर वन है। अब इसके सड़स में कुछ भी नहीं है ना, इसके सड़स में कौन है टू। अगर आपने इसको पावर के फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखोगे, एक्स की पावर वन जो सड़स में वो डिवाइड में होगा। अब सड़स में टू है ना, और इसलिए हम ये बोलते हैं कि रूट का मतलब वन बाई टू होता है, रूट का मतलब वन बाई टू इसलिए बोलते हैं क्योंकि जिसके सड़स में कुछ भी ना हो उसके सड़स में टू होता है। कर लो आसान है ये तो। ये नंबर अपने सड़स के फॉर्म में लिखा हुआ है, अगर आपने सड़स के फॉर्म से पावर के फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखोगे भाई, जो भी सड़स में लिखा हुआ है ना वो उस पावर के कहां पर आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा वो। उसके बाद देखो भाई एक चीज और, जैसे मान ले लिखा हुआ है रूट एक्स और इसके सड़स में मान ले बी है की पावर ए, रूट एक्स सड़स में बी और ऊपर पावर में ए है, इसको एक बार सोल्व करना तो क्या होगा भाई, पहले ये सोल्व होगा, पहले ये सोल्व होगा यानी एक्स की पावर वन नहीं है तो जो सड़स में लिखा हुआ नंबर है वो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा यानी एक्स की पावर वन बाई बी, और ऊपर कौन है, ऊपर मेरा ए है। अब पावर के ऊपर पावर होगी तो पावर आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई यानी ए अपॉन बी हो जाएगा, एक्स की पावर ए अपॉन बी। अगर मैंने इस नंबर को पावर के फॉर्म से सड़स के फॉर्म में लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा रूट एक्स की पावर ए जो डिवाइड में वो सड़स में। इसका मतलब ये हो गया यहाँ पर लिखा और यहाँ पर लिख के बराबर बात है, ये जो पावर ए है ना वो चाहे यहाँ पर लिखो चाहे एक्स के ऊपर लिखो एक के बाद अरे बराबर आ गई, देखो तो सेम है एक्स भी सेम है, चाहे इसको यहाँ पर लिखो चाहे इसको ऊपर लिखो एक बात एक कॉल नहीं आ गई, ये इक्वल होता है भाई, ठीक है ना। तो पावर को आप चाहे यहाँ पर लिखो चाहे यहाँ पर लिखो एक ही बात हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। कर लो भाई मेन तो आपको जो है ना कोई नंबर सर्ट से अगर पावर में चेंज करूँ तो कैसे करोगे वही सीखना है, कैसे करोगे चेंज, जो भी सर्ट में लिखा हुआ है वो पावर के कहां पर पहुंच जाएगा, डिवाइड में पहुंच जाएगा भाई। उसके बाद एक चीज और भाई, जैसे मान लिया कई बार रूट हो, जैसे मान लिया मैं बोल दू रूट सड़स में ए फिर रूट मान लिया सड़स में बी फिर रूट सी और यहां पर एक्स लिखा है और कब इसको सोल्व करो, सड़स में ए है सड़स में बी है सड़स में सी है फिर जाकर एक्स लिखा है तो एक कैसे सोल्व होगा भाई, जो सड़स में लिखे हुए नंबर है ना वो सीधे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे सीधे ए बी सी, तो सड़स में कौन आ जाएगा सोल्व होकर जो नंबर आ हुआ नहीं उसके सड़स में होगा ए बी सी और एक्स है। अब इसको जब पावर के फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखोगे, जो सड़स में वो डिवाइड में आ जाएगा एंड एक्स की पावर वन अपॉन ए बी सी होगा। जैसे मान लिया मैं आपको बोलूं रूट सड़स में मान लिया टू तो नहीं थ्री है भाई फिर रूट यहाँ कुछ भी लिखा मैंने फिर रूट यहाँ पर मान लिया चार है और एक्स को इसको सोल्व करो, इसको क्या करो सोल्व, तो इसको सोल्व कैसे करोगे, जो सड़स में लिखे हुए नंबर सीधे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यहाँ सड़स में कुछ भी नहीं है तो कौन लिखा हुआ टू लिखा हुआ, तीन दूनी छः छः चौक चौबीस यानी एक्चुअल में जो है ना सड़स में आपका 24 है और x, और इसको अगर आपने पावर के फॉर्म में लिखना तो कैसे लिखोगे, x की पावर 1/24 ऐसे लिखोगे। कर लो भाई तो चलो तुमने जो ना सारा बेसिक ही पढ़ना भाई, तो चैप्टर को फिर कल करेंगे स्टार्ट।